बीपीसी का ही लग गया क्या? हम इसको एडिट कर लेते हैं, टाइटल थोड़ी देर लगेगी, आपका टाइटल क्या हो जाएगा, एडिट हो जाएगा। 1 मिनट रुकेगा, हम टाइटल एडिट कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि लग गया है बीपीएससी का। एक मिनट रुकेंगे भाई लोग, 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, हम ठीक कर लेते हैं। एक चीज है, एक समस्या हो गया है, उसको हम क्या कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग भाई। एक मिनट आप लोग रुक जाइएगा, 1 मिनट रुकेंगे सभी लोग, हम तब तक एडिट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? चलिए भाई, हो गया है एडिटेशन, सब कुछ हो चुका है, अब हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मजे में हो आप लोग? मजे में हो भाई सभी लोग? मजे में हो क्या सभी लोग? पूरा मजा ले रहे हैं जीवन का? चलिए, आज हम आपके लिए क्या लेकर के आए हैं, महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन श्रृंखला, प्रश्न श्रृंखला 46 लेकर के आए हैं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है कि नहीं भाई? आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, अति महत्वपूर्ण है जो सेट हम लेकर के आए हैं। यह सेट क्या है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 का क्या है, क्वेश्चंस का संकलन है। हम डेली आपके साथ 10 बजे लाइव जुड़ते हैं, तो आज भी आपके साथ 10 बजे ही लाइव जुड़ रहे हैं, ठीक है? इस श्रृंखला में क्विज प्लस पीडीएफ दोनों प्रोवाइड करवा दी जाती है। यह सभी एग्जाम्स के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर, क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक उष्मारोधी क्षमता होती है? जल्दी से बोलेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक उष्मारोधी क्षमता होती है? बोलेंगे भाई रूपम कुमारी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? चलिए सभी लोग को ऐड करेंगे जल्दी जल्दी सब लोग। मेरे भाई, सर्वाधिक उष्मारोधी क्षमता किसमें होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है भाई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या होती है, सर्वाधिक उष्मारोधी क्षमता होती है, ठीक है? ग्रीन हाउस गैस में है कि नहीं भाई? देखिए ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस इज अ गैस दैट ऑब्जर्व्स द इमिट रेडिएंट एनर्जी विद इन द थर्मल इंफ्रारेड रेंज कॉजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कर रहा है, ग्रीन हाउस क्या होता है, वह ग्रीन हाउस गैस वह गैस है जो कि क्या करता है, पृथ्वी के रेडिएंट को क्या करता है, रेडिएंट एनर्जी को क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है कि नहीं भाई? देखिए कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस है, तो मेरे भाई वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? रूप कुणाल भाई मजा आ रहा है, रूपेश मजे में हो भाई, मजे में हो सब लोग? भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है, जल्दी से बोलेंगे, भारत में कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? रुपेश आंसर दे भाई। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत में राजस्थान एक ऐसा राज्य जो कि सौर ऊर्जा के मामले में क्या है, अग्रणी है। गुड मॉर्निंग पुतुल कुमारी जी, ठीक है? ये देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ये राजस्थान दिखाई दे रहा है, किसमें दिखाई दे रहा है, रेड रेड कलर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, राजस्थान दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई? राजस्थान क्या है, सौर ऊर्जा उत्पादन में क्या है, देश में सबसे अग्रणी है और सबसे बड़ा क्या है, राज्य है। राजस्थान सबसे बड़ा क्या राज्य क्या है, राज्य है, क्या चीज में, सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है और सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है भाई? गुजरात नहीं है भाई, राजस्थान हो जाएगा इसका सही उत्तर। एक मिनट रुक जाइएगा, आपका हम पूरा डिटेल से इसको कर देते हैं क्लियर। ये 2015 के आंकड़ा के अनुसार ना भाई क्या है, राजस्थान है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है भाई? सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान है,
सही भाई, 2015 के आकड़े के अनुसार, क्योंकि क्या क्वेश्चन 2016 का था उसी हिसाब से सेट किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, हम जानते हैं इसके बारे में सारी बातें। राजस्थान का गठन कब किया गया? 30 मार्च 1949 को किया गया। राजस्थान का गठन कब किया गया? 30 मार्च 1949 को। ठीक है, उसके बाद भाई रुपेश क्लास में हो, इसकी राजधानी क्या है? जयपुर है। इसकी सबसे बड़ी शहर भी क्या है? जयपुर है। गवर्नर इसे कौन है? कलराज मिश्रा जी है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी है। लेजिस्लेचर है कि क्या है? एक सदनीय विधानसभा, जिसमें एक कुल 200 सीट है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में राज्यसभा से 10 सीट और लोकसभा से कितने सीटें आती है? तो मेरे भाई 25 सीटें आती है कि नहीं? हाईकोर्ट कहाँ का है? राजस्थान हाईकोर्ट है। यह क्षेत्रफल के दृष्टि से क्या आता है? एरिया रैंक 1 आता है। ठीक है, पूरे भारत में सबसे बड़ा क्या है? राज्य है। ठीक है, अधिक राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य क्या है? घूमर। यहाँ का संस्थान प्राणी यानी कि क्या है? वहां का जो राजकीय पशु कौन है? ऊंट या चिंकारा है। ठीक है, वहां का राजकीय पक्षी क्या है? गुंडवाना। ठीक है भाई, गोडा बम। ठीक है, फूल क्या है? रोहिदा। पेड़ क्या है? खेजिक। और खेल क्या है? बास्केटबॉल। पूछेगा आपसे राजस्थान का राजकीय खेल, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल। राजस्थान का राजकीय खेल कौन है? तो बास्केटबॉल है। राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ऑफिशियल भाषा हिंदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4-3 पे चलते हैं। हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता, क्योंकि रुपेश भाई क्लास में हो, विद्युत प्रवाहित नहीं करता क्योंकि, जल्दी से बोलेंगे, उत्तर बताएंगे जल्दी से मेरे भाई। हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता क्योंकि, जल्दी से बोलिए, हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता क्योंकि इनमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्या होता है? इनमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जैसे कि हीरा में क्या होता है? हीरा में कोई भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसलिए क्या करता है? वह विद्युत प्रवाहित नहीं करता है कि नहीं भाई? आगे बढ़ते इसको जानते हैं हीरा के बारे में। देखिए, ये आपको फोटो दिखाई दे रहा है, किसका फोटो दिखाई दे रहा है? हीरा का फोटो दिखाई दे रहा है। किसका फोटो दिखाई दे रहा है? हीरा। हीरा क्या होता है? कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। हीरा क्या है? एक कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। हीरा का कार्बन तत्वों का एक रूप है, जिसका परमाणु क्या होता है? क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं, जिसे डायमंड क्यूबिक कहा जाता है। हीरा जो संरचना में व्यवस्थित होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? डायमंड क्यूबिक के नाम से जानते हैं। कमरे के तापमान और दबाव पर कार्बन का एक और ठोस रूप, जिसे ग्रेफाइट के रूप में जाना जाता है, उस पर अगर ग्रेफाइट पर हम क्या देंगे? बहुत अधिक दाब देंगे, बहुत अधिक तापमान देंगे, तो क्या हो जाएगा? हीरा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, कार्बन का स्थिर रूप कौन है? तो मेरे भाई कार्बन का स्थिर रूप है ग्रेफाइट। कार्बन का रासायनिक रूप से स्थिर रूप कौन है? तो ग्रेफाइट। लेकिन हीरा लगभग कभी भी इसमें परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, डायमंड में किसी भी प्राकृतिक सामग्री की उच्चतम कठोरता और तापीय चालकता होती है। डायमंड में क्या होती है? हाय भाई निशांत, कैसे हो? डायमंड में क्या होती है, यानी कि हीरा में क्या होती है? किसी भी प्राकृतिक सामग्री में सबसे अधिक कठोर कौन होगा? तो मेरे भाई डायमंड होता है। ठीक है, उसके सबसे अधिक तापीय चालकता किस में होती है? तो डायमंड में होती है कि नहीं भाई? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? जल्दी से बोलेंगे, कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? कैसे हो भाई सभी लोग? कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने से गंगा नदी बनती है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। यहां आप देखिएगा, यहां पर क्या होता है? देवप्रयाग में ना लोगों को स्नान करने के लिए क्या क्या भीड़ जुटा हुआ है कि नहीं? देखिए तो यहाँ पर क्या देवप्रयाग है, इधर देखिए, इधर से कोई अलकनंदा रही है, इधर से क्या है? भागीरथी। भागीरथी मिल, भागीरथी और गंगा, भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर क्या बनाता है? तो मेरे भाई गंगा नदी का निर्माण करते हैं। देखिए, देवप्रयाग एक शहर है और एक नगर पंचायत है, जो कि टिहरी गढ़वाल जिला उत्तराखंड में स्थित है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा देवप्रयाग है क्या? तो मेरे भाई देवप्रयाग एक शहर है, जो कि किस जिला में स्थित है? तो टिहरी गढ़वाल जिला में स्थित है। आपसे एक और क्वेश्चन बनता है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आप लोग उत्तर देंगे, हम नहीं देंगे। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आप लोग जल्दी से आंसर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? तो सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग। हाँ, गंगा गंगोत्री से निकलती है। ठीक है,
एल्डिहाइड क्या है? क्वेश्चन आपसे 5वां नंबर पूछा जा रहा है, एल्डिहाइड क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, एल्डिहाइड क्या है? मजे में हो सभी लोग, मजे में हो, मजे में हो सभी लोग। एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड क्या है? जल्दी से, चारों ऑप्शन आपके पास है, कोई एक ऑप्शन सही होगा। सभी लोगों का उत्तर चाहिए, एल्डिहाइड क्या है? तो मेरे भाई एल्डिहाइड प्रबल लघुकारी एजेंट है। एल्डिहाइड क्या है? एक प्रबल लघुकारी एजेंट है। हम जानते हैं एल्डिहाइड के बारे में कुछ तथ्य। देखिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कार्बनिक रासायनिक यौगिक के एक वर्ग का क्या है? सदस्य है। एल्डिहाइड क्या है? कार्बनिक रासायनिक यौगिकों का एक वर्ग का क्या है मेरे भाई? सदस्य है, ठीक है, जो सामान्य संरचनात्मक सूत्र RCHO द्वारा दर्शाया जाता है। एल्डिहाइड किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो मेरे भाई RCHO के द्वारा दर्शाया जाते हैं, जहां पर R हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन रेडिकल प्रतिस्थापित या अप्रतिस्थापित हो सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड क्या है? तो प्रबल लघुकारी एजेंट है। एल्डिहाइड क्या है? प्रबल लघुकारी एजेंट है। मेरे साथ साथ याद करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक बिट डाटा का संग्रह के लिए सर्किट का प्रयोग होता है। जल्दी से बोलेंगे, एक बिट डाटा संग्रह के लिए सर्किट का प्रयोग होता है। रूपम कुमारी जी, रूपेश कुमार भाई, मनीष भाई, राजा जी, सूरज भाई, पुतुल कुमारी जी, सोमू भाई आज नहीं हुआ है। जल्दी से बोलेंगे इसका उत्तर, एक बिट डाटा का संग्रह के लिए सर्किट का प्रयोग होता है। जल्दी से बोलेंगे, नहीं आता है तो ऑप्शन तुक्का लगा दीजिए। क्या कर दीजिए? तुक्का लगा दीजिए। जल्दी से बोलिए। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप। जो इंजीनियर साहब है कुणाल भाई, उन्होंने बिल्कुल सही उत्तर बताया है। एक बिट डाटा का संग्रह करने के लिए सर्किट का प्रयोग होता है। तो कौन से सर्किट का? तो फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है भाई, कुणाल बिल्कुल सही भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है? जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है? सभी लोग बताएंगे इसका उत्तर। ऑप्शन एक है गुरुत्वहीनता, ऑप्शन 2 त्वरण, ऑप्शन 3 शून्य गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन 4 कक्षीय गति। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है? जल्दी से बोलेंगे। तो मेरे भाई अंतरिक्ष में क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल की कमी है, गुरुत्वहीनता के कारण क्या किया जाता है? भारहीनता महसूस की जाती है। वहां पर लगेगा कि मेरा कोई वजन नहीं है, उड़ने लगेगा आदमी जाएगा। जैसे कि अगर रुपेश चला गया, रुपेश के साथ ही हुआ, उस सोचा कि हम चांदमा अंतरिक्ष में जाकर के क्या करेंगे, जाएंगे, ठीक है, अंतरिक्ष में जाएंगे तो क्या होगा, लेके उड़ने लगेगा, है कि नहीं? इस भारहीनता महसूस होगी इसको, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वहीनता के कारण, है कि नहीं? वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं तो खींचेगा कैसे खींचे। चलिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चलिए बताइए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मेरे भाई मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। आइए हम जानते हैं लीवर, यह जो नच रहा है, यहां पर देखिए लीवर को, लीवर को ध्यान से देखेंगे, जो पेट के नीचे जो लगा हुआ है ना, बहुत सारा उस टाइप का, क्या कहते हैं, रेड वाला, देखिए यहां पर ये क्या है? लीवर है। पेट लीवर का होता है, यहां पर स्थित होता है। लीवर क्या है? लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ा क्या है? आंतरिक अंग भी है। लीवर क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि तो है ही, लेकिन यहाँ क्या है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है, ठीक है। मानव व्यस्क के लिए इसका वजन 1.5 से 1.6 किलोग्राम तक होता है, यानी कि शरीर के वजन का लगभग 1/50 हिस्सा किसका होता है? लीवर का होता है। शरीर के वजन का लगभग 1/50 हिस्सा किसका होता है? तो लीवर का होता है। तो लीवर क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग उत्तर देंगे, हम नाम ले रहे हैं शुरू से, सूरज प्रकाश, रूपम कुमारी जी, पुतुल कुमारी जी, अभिषेक राठौर भाई, स्मार्टी राजपूत जी, रुपेश भाई, मनीष भाई, और कौन कौन है? कुणाल भाई। जल्दी से इसका उत्तर देंगे, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
तो मेरे भाई भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का, सही उत्तर क्या हो जाएगा, जेबी कृपलानी। मजे में हो सभी लोग। जेबी कृपलानी जी, आइए हम जानते हैं इनके बारे में, जेबी कृपलानी जी के बारे में। देखिए ये जो है ना जेबी कृपलानी जी का फोटो है, ठीक है, ये डाक टिकट 1989 में जारी किया गया था, ठीक है। जेबी कृपलानी का पूरा नाम क्या था, जीवत्रम भगवान दास कृपलानी, ठीक है। उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ और मृत्यु 19 मार्च 1982 को हो गई, जिन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से भी जानते हैं। वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने विशेष रूप से 1947 में सत्ता हस्तांतरण के दौरान यानी कि स्वतंत्रता के दौरान क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता और सुचेता कृपलानी के पति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कृपलानी एक गांधीवादी, समाजवादी और पर्यावरणविद, राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है भाई। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए। मजा आ रहा है सभी लोगों को, मजा आ रहा है तो हैंड्स अप करेंगे। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए, मजा आ रहा है तो हैंड्स अप करेंगे भाई। बफरिंग हो रहा है भाई, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम कितना उम्र होना चाहिए। तो मेरे भाई राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। हम जानते हैं राज्यसभा से रिलेटेड जितने भी बातें हैं जो कि मेरे परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, उन सभी तथ्यों को हम क्या करेंगे, अभी पढ़ेंगे और जानेंगे। देखिए ये क्या है, संसद भवन का आपको फोटो दिखाई दे रहा है। संसद भवन में दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को हम किस नाम से जानते हैं, उच्च सदन, और लोकसभा को किस नाम से जानते हैं, रुपेश का नेट प्रॉब्लम होगा। लोकसभा को किस नाम से जानते हैं, निम्न सदन। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का, ठीक है। राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, तो मेरे भाई सूरज राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है, ठीक है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो 250 निर्धारित की गई है, जिसमें कि 238 सदस्य राज्यों से चुन के आते हैं और 12 सदस्य क्या आते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष होती है। यह एक क्या है, अस्थाई सदन है, क्या है, अस्थाई सदन है, यह इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता। राज्यसभा क्या है, अस्थाई सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, तथा प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य क्या हो लेते हैं, सेवानिवृत्त हो लेते हैं। राज्यसभा का राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो मेरे भाई राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू जी है, ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह। बफरिंग हो रहा है भाई, सच में बफरिंग होने लगा भाई, सच बात है, सुनो चल रहा नेट, बहुत समस्या है भाई। अब ठीक कभी कभी होता है भाई, कभी कभी हो जा रहा है नेटवर्क, आज थोड़ा सा हमको लगता है स्लो है कि नहीं, तो उससे थोड़ा सा देख लीजिए। अक्टोरी क्या है, अक्टोरी क्या है, सबका वीडियो बफरिंग हो रहा है भाई आज, अब सही चल रहा है, अब सही चल रहा है, अब बफरिंग हो रहा है क्या। पुतुल कुमारी जी आपके पास बफरिंग हो रहा है, रुबन कुमारी आपके पास हो रहा है बफरिंग, अब ठीक है। चलिए अक्टोरी क्या है, तो मेरे भाई अक्टोरी क्या है, अक्टोरी एक टैक्स है। अक्टोरी क्या है मेरे भाई, अक्टोरी एक टैक्स है। अक्टोरी क्या है, अक्टोरी एक टैक्स है, क्या है, अक्टोरी एक टैक्स है कि नहीं, इतना ही समझेंगे क्या है अक्टोरी एक क्या है, टैक्स है, ठीक है। आगे बढ़ते इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। सेक्सटेंट उपकरण का उपयोग किसमें होता है, सेक्सटेंट उपकरण का उपयोग किसमें होता है, जल्दी से बताएंगे।
सेक्स टैंक उपकरण का प्रयोग किस में होता है? सेक्स टैंक उपकरण का प्रयोग किस में होता है? चलिए, सेक्स टैंक उपकरण का प्रयोग किस में होता है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा नौचालन में। सेक्स टैंक टैंक उपकरण का प्रयोग नौचालन में किया जाता है। आप यहां देख लीजिए सेक्स टैंक है क्या, इस टाइप का उपकरण क्या कहलाता है? सेक्स टैंक कहलाता है, ठीक है। एक सेक्स टैंक एक क्या है, दोगुना प्रवर्तक नेविगेशन क्या है, उपकरण है, ठीक है, जो कि जो दृश्यमान वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मांगता है। सेक्स टैंक का क्या वो काम होता है? तो मेरे भाई दृश्यमान वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को कौन मापता है? तो सेक्स टैंक मापता है, ठीक है। अब हम जानते हैं इसके बारे में और सारी बातें। एक सेक्स टैंक का प्राथमिक उपयोग खगोलीय वस्तु और आकाशीय नेविगेशन के प्रयोजनों के लिए क्षितिज के बीच के कोणों को मापने के लिए किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेक्स टैंक उपकरण का प्रयोग किसमें होता है? तो नौचालन के लिए किया जाता है। किसमें? नौचालन के लिए। मजे में हो आप लोग? मजे में हो क्या? मजे में हो? आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है? निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है? बताना भाई सभी लोग। सूरज, रूपेश, कुणाल, अभिषेक भाई, मनीष भाई, पुतुल कुमारी, रूपम कुमारी, जल्दी से उत्तर बताएंगे। देखिए भाई, नेटवर्क के कारण। निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है? नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, इसके कारण थोड़ा सा आपको बफरिंग पता चल रहा होगा, है कि नहीं? चलिए, निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन मंदिर खजुराहो। जैन मंदिर कहां पर है? तो मेरे भाई जैन मंदिर कहां पर है? राजस्थान के कहां पर, कौन से पर्वत पे है भाई? माउंट आबू पर्वत पे है। किस पर है? माउंट आबू पर्वत पे है। महाकाल मंदिर कहां पर है? उज्जैन, ठीक है। महाकाल मंदिर उज्जैन, श्रृंगेरी मंदिर चिकमंगलूर जिला, सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। गोल गुंबद क्या है? व्हाट इज गोल गुंबद? गोल गुंबद है क्या? गोल गुंबद या गोल गुंबद क्या है? जल्दी से बोलेंगे, गोल गुंबद क्या है? तो मेरे भाई गोल गुंबद है, गोल गुंबद क्या है, जल्दी से बोलिए। तो गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबद क्या है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो कि भारत के बीजापुर कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहां पर है भाई? बीजापुर में स्थित है। स्थित है तो बीजापुर में स्थित है। बीजापुर कहां है? कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबद किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इसका निर्माण कब किया गया, कब शुरू किया गया? तो 1626 ईस्वी में। इसका निर्माण कब पूरा हुआ? तो 1656 ईस्वी में, ठीक है। आगे समझ में, देख लीजिए गोल गुंबद के बारे में। तो गोल गुंबद क्या है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर का किसमें होने की अधिकांशता संभावना होती है? ट्रांजिस्टर का किसमें होने की अधिकांशता संभावना होती है? बहुत नेटवर्क फंस रहा है भाई आज, बहुत नेटवर्क फंस रहा है आज। ट्रांजिस्टर का किसमें होने का अधिकांशता संभावना होती है? बोलिए, ट्रांजिस्टर का किसमें होने की अधिकांशता संभावना होती है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रव्य उपकरण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रव्य उपकरण। क्या हो जाएगा मेरे भाई? श्रव्य उपकरण। एक ट्रांजिस्टर एक क्या है? अर्धचालक उपकरण है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संकेत और विद्युत शक्ति को बढ़ाने या स्विच करने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बुनियादी निर्माण खंडों में से क्या है? यह एक है, ठीक है। यह अर्धचालक सामग्री से बनाता है, जिसे आमतौर पर बाहरी सर्किट से जोड़ने के लिए काम की 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है भाई। चलिए, ट्रांजिस्टर का किसमें होने की अधिकांशता संभावना होती है? तो श्रव्य उपकरण, फ्यूज भी सही हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर के किस भाग में इंसुलिन का स्राव होता है?
मानव शरीर के किस भाग में इंसुलिन का स्राव होता है? कहां रहते हो क्रिकेट का पंच जी आप? कहां रहते हैं? अभी तक 14-15 क्वेश्चन हो गया तब जुड़े हैं। मानव शरीर के किस भाग में इंसुलिन का स्राव होता है? भाई बोलिएगा, मानव शरीर के किस भाग में इंसुलिन का स्राव होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव शरीर के अग्नाशय में इंसुलिन का क्या होता है? स्राव होता है। किसका स्राव होता है? किस चीज का स्राव होता है? तो इंसुलिन का स्राव कहां पर होता है? मानव शरीर के अग्नाशय में। देखिए इंसुलिन यहां दिखाई दे रहा है, सॉरी क्या दिख रहा है? अग्नाशय दिखाई दे रहा है। ये क्या है? अग्नाशय, पैंक्रियाज जिसको कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं? पैंक्रियाज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मीठे पानी की एक स्वस्थ मछली को खारे पानी में रखा जाए तो उसके संभावित परिणाम क्या होंगे? मीठे पानी के एक स्वस्थ मछली को खारे पानी में रखा जाए तो उसके संभावित परिणाम क्या होंगे? जल्दी से बोलेंगे। मीठे पानी के एक मछली को खारे पानी में रखा जाए तो उसके संभावित परिणाम क्या होंगे? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मछली निर्जलीकृत होकर क्या हो जाएगी? मर जाएगी। मछली निर्जलीकृत होकर क्या हो जाएगी? मर जाएगी। क्या हो जाएगा सही उत्तर? मछली निर्जलीकृत होकर मर जाएगी। क्वेश्चन नंबर आता है 18। मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? तो मेरे भाई मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? इसका उत्तर सभी लोग से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बताएंगे इसका उत्तर। बिल्कुल सही पकड़े हो सूरज भाई, बिल्कुल सही पकड़े हो। एक ही ऑप्शन दोनों में डाला गया है, ऑप्शन ए और डी दोनों सही है भाई। चलिए 17 में ऑप्शन ए और डी दोनों सही है। चलिए हम पकड़े ही नहीं थे इसको। मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? जल्दी से बोलेंगे। स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फिनलैंड। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नॉर्वे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नॉर्वे। इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। आइए हम जानते हैं नॉर्वे के बारे में सारी बातें। देखिए नॉर्वे, ये देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई? नॉर्वे दिखाई दे रहा है। यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? नॉर्वे, जो कि स्वीडन से क्या है, सटा हुआ एक देश है। आप फिनलैंड से भी क्या करता है? सीमा साझा करता है कि नहीं? नॉर्वे किससे किससे सीमा साझा करता है? स्वीडन और फिनलैंड से सीमा साझा करता है। ठीक है भाई, हम जानते हैं नॉर्वे के बारे में सारी बातें। नॉर्वे का राजधानी कहां है? तो मेरे भाई नॉर्वे का राजधानी ओस्लो है। यहाँ की सरकार कैसी है? यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है। ठीक है भाई, यहां पर देखिए प्राइम मिनिस्टर कौन है? ईरान सोलबर्ग है। प्रेसिडेंट ऑफ स्टोर्टिंग कौन है? टोन डब्ल्यू टोरेन है। ठीक है भाई, करेंट कॉलिएशन क्या है? लिबरल कंजर्वेटिव है कि नहीं? सब ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, लेजिस्लेचर किस नाम से जाना जाता है? स्टोरिंग गेट के नाम से जाना जाता है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कब लागू हुआ था? 17 मई 1864 को। ठीक है, करेंसी इसका क्या है? नॉर्वे कोरोन है। इसका करेंसी क्या है? नॉर्वेन क्रोन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों में बांटा गया है? किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों में बांटा गया है? जल्दी से उत्तर बताएंगे। हम बहुत ही काले दिखाई देते हैं लेकिन इसमें लैपटॉप में। किस नदी के बेसिन को भारत के 10 उत्तरी राज्यों में बांटा गया है? अमन भाई कैसे हो? किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों में बांटा गया है? भाई सूरज बता देना। गंगा नदी, बिल्कुल सही उत्तर। इसका सही उत्तर क्या है अमर भाई? गंगा नदी। आइए हम जानते हैं गंगा नदी को फिगर के द्वारा, देखिए मैप के द्वारा। गंगा नदी के किसके द्वारा? मैप के द्वारा हम लोग जानते हैं इसके इस बात को, सारी बात को। देखिए गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगोत्री से भागीरथी और अलकनंदा निकलती है। ठीक है, और वहां से अलकनंदा, देखिए भागीरथी और अलकनंदा मिलकर कहां बनाती है? देवप्रयाग में गंगा नदी बन जाती है कि नहीं? अब गंगा नदी उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए क्या करती है? जाकर के पश्चिम, कहां गिर जाती है? तो मेरे भाई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा मेन मेन शहर बसा हुआ है? तो मेरे भाई गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है? कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना, ठीक है, ये सब किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ प्रमुख शहर है, देख लीजिए गंगा नदी का प्लेन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, चलते हैं किस पे, 20 पे। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद थे? भाई जल्दी से बताना, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद थे? सूरज क्लास में हो भी या नहीं भाई? पुत्र कुमारी क्लास में है, मजा आ रहा है क्लास में? अमन भाई, निशांत भाई, सोमू भाई क्लास में हो? निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद थे? जल्दी से बोलेंगे उत्तर। तो मेरे भाई निम्नलिखित में से संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद कौन थे? पाणिनि जी थे। कौन थे? पाणिनि जी थे। पाणिनि जी के बारे में हम कुछ बातें जानते हैं। पाणिनि जी ने ही अष्टाध्यायी नामक संस्कृत शास्त्रीय अष्टाध्यायी नामक क्या किया, एक उल्लेखनीय कार्य किया, ठीक है। पाणिनि जी ने किसने क्या किया था? अष्टाध्यायी नामक एक उल्लेखनीय कार्य किया था, ठीक है। उनका क्षेत्र का उत्तर पश्चिमी भारतीय महाद्वीप में, ठीक है। पाणिनि किस व्याकरण के व्याकरणविद थे? किस भाषा के? तो संस्कृत भाषा के, ठीक है। ये पाणिनि द्वारा रचित क्या है, लिखा हुआ कुछ है, लिखा हुआ, ठीक है, व्याकरण लिखा हुआ हो सकता है, पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई। मुख्य रुचियां क्या है? व्याकरण और भाषा विज्ञान इसकी है कि नहीं भाई। आगे बढ़ते हैं पाणिनि जी की, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। स्टॉक एक्सचेंज पर इनमें से क्या होता है? सूरज क्लास में मजा आ रहा है। स्टॉक एक्सचेंज पर इनमें से क्या होता है? जल्दी से बोलेंगे, स्टॉक एक्सचेंज पर इनमें से क्या होता है? आज बफरिंग के कारण बहुत सारे लोग चले गए। स्टॉक एक्सचेंज पर इनमें से क्या होता है? जल्दी से उत्तर बोलेंगे भाई। एक स्टॉक एक्सचेंज पर इनमें से क्या होता है? तो मेरे भाई स्टॉक एक्सचेंज पर प्रतिभूतियां खरीदी और बेची जाती है। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होती है? प्रतिभूतियां खरीदी और बेची जाती है, यानी कि शेयर को क्या किया जाता है? खरीदी और बेचा जाता है। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 22 पर। कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना की आक्रामकता को किस नाम से जाना जाता है? कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना की आक्रामकता को किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन कारगिल, ऑपरेशन एलओसी, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सक्सेस। जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे। तो मेरे भाई ऑपरेशन विजय से क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेशन विजय से क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन विजय। कारगिल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है, ठीक है। उस दिन हमारी भारतीय सेना की थी विजय प्राप्त की थी पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के मुंह में क्या जूता घुसा दी थी, ठीक है, क्या कर दी थी? जूता घुसा दी थी, तो भारत तोप का क्या गोला घुसा दिया था, है कि नहीं? तो पाकिस्तान को तो गजब तरीके से बर्बाद कर दिया गया था। कब? 26 जुलाई 2000 को, ठीक है, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में इसलिए हम लोग मनाते हैं, ठीक है। यह देख लीजिए कारगिल विजय दिवस, कारगिल में जो लोग शहीद हुए थे, जो हमारे वीर पुरुष, वीर सेना के जवान शहीद हुए थे, उनका क्या है? मेमोरियल बनाया गया है कारगिल का, है यह जगह, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? विक्रम पात्रा जी, बिल्कुल सही। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? इसका सही उत्तर बताएंगे। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब महात्मा गांधी ने दिया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। आइए हम जानते हैं सरोजिनी नायडू जी के बारे में कुछ बातें। देखिए ये जो है ना सरोजिनी नायडू जी का फोटो है, इनका जन्म 1889 को हुआ, इनकी मृत्यु कितनी क्यों है? 1949 को हुई, ठीक है। वे भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और कवि थे। वे उत्तर प्रदेश के यानी कि भारत के किसी भी राज्य के प्रथम महिला गवर्नर बनने वाली पहली महिला थी, ठीक है। उन्होंने उनके कविता के रंग
कल्पना और गीतात्मक गुणवत्ता के कारण महात्मा गांधी जी ने उन्हें क्या कहा, भारत कोकिला नाम दिया और उन्हें भारत की नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से उन्हें जाना जाने लगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं हो सकता भाई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो मेरे भाई, अरे मुंबई में स्थित है आरबीआई का, आप लोगों देख रहे हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है कि नहीं। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1 अप्रैल 1935 को, 86 वर्ष पहले, ठीक है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो मेरे भाई यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। यहाँ के गवर्नर कौन है तो शक्तिकांत दास जी हैं। इसके 4 उप गवर्नर भी होते हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारत का केंद्रीय बैंक के रूप से कौन जाना जाता है तो मेरे भाई आरबीआई जाना जाता है। करेंसी क्या है आरबीआई का तो इंडियन रूपी है, ठीक है। इसमें कितने रुपए रिजर्व है तो 4 लाख है नहीं 43 लाख, 10 लाख 43,55,951 करोड़ रुपया क्या है रिजर्व है, ठीक है। बैंक रेट इसका क्या है 4.25%, इंटरेस्ट ऑन रिजर्व्स क्या है 3.35% है कि नहीं, मार्केट डिफाइंड पर क्या था मार्केट डिटरमाइंड है, ठीक है 3.35%। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? जल्दी से बोलेंगे, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? भाई इतना काला हम हो गए, अजीब दिखाई दे रहे हैं जी हम, इसमें तो बहुत ही अजीब। चलिए, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है जल्दी से बोलेंगे तो मेरे भाई, हेपेटाइटिस मानव शरीर के लीवर को प्रभावित करता है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? लीवर यानी कि यकृत, जिगर यानी कि यकृत, जिगर भी क्या होता है लीवर को हम क्या कहते हैं जिगर कहते हैं, ठीक है। यकृत शोथ जिसे हम हेपेटाइटिस बी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यह किस भी वायरस से होता है तो एचबीवी वायरस के कारण यह क्या है संक्रामक बीमारी है जो मनुष्य के साथ बंदरों की प्रजाति के लीवर को भी क्या करती है संक्रमित करती है, जिसके कारण लीवर में सूजन और जलन पैदा होता है जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। तो हेपेटाइटिस किसे कहते हैं, तो हेपेटाइटिस किससे संबंधित है तो मेरे भाई लीवर से संबंधित है। अगर हेपेटाइटिस हो जाए तो क्या हो जाएगा, जलन और सूजन होता है किसमें, लीवर में, है कि नहीं भाई। तो आज भर के लिए इतना ही, तब तक खूब जिसा लेते रहिए, खूब आगे बढ़िए। नमस्कार, जय हिंद। क्लास आज की आप कितनी अच्छी लगी आप बताएंगे, ठीक है। इसमें क्लास में कोई कमी आई होगी उसको भी आप बताएंगे, है कि नहीं भाई। और तब तक जिसा लेते रहिए, खूब आगे बढ़िए। नमस्कार, एक बार भारत माता की जय का नारा लगा करके यहां से विदा लीजिए। भारत माता की जय, जय हिंद, नमस्कार।